गेम चेंजर कार है पूरी है। वेन्यू की जो बुकिंग्स थी उनको कहीं ना कहीं ये गाड़ी थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करेगी, बिकॉज What's up guys? Welcome back to another video. यार ब्रेजा का टॉप मॉडल सामने खड़ा हुआ है, डुअल टोन के अंदर है गाड़ी एंड गाड़ी की चाबी है माइल्ड हाइब्रिड है गाड़ी पूरी, लाइक सिंपल सी चाबी, बढ़िया सी एलिगेंट सी चाबी मिलती है ब्लू में, लाइक आपको दिख रहा होगा ब्लू टच है, सुजुकी का लोगो आ जाता है एंड गाड़ी जो है लाइक इट्स द मैनुअल टॉप मॉडल है बिल्कुल, लाइक ZXI प्लस आपको ब्लैक आउट ऊपर मिल रहा है, लाइक जो डुअल टोन कलर है रेड एंड ब्लैक का मिल रहा है, गाड़ी काफी शानदार लग रही है। आई एम स्टैंडिंग एट मिराक व्हीकल्स, मिराक व्हीकल्स आगरा के अंदर हूँ मैं। आपको अगर कोई भी सुजुकी गाड़ी टेस्ट ड्राइव करनी है आप मिराक को विजिट कर सकते हो एंड काफी बढ़िया डीलरशिप है, काफी बढ़िया चीज है। चाबी से स्टार्ट करते हैं एक बार कि गाड़ी की लाइक चाबी कैसी फील है, कैसा है, अच्छी फील होती है मुट्ठी में, लाइक छोटी सी है अच्छी लगती है, प्यारी है चाबी, बढ़िया चीज है, फंक्शनल है काफी बढ़िया लगता है। लॉक करते हैं एक बार गाड़ी को, सिंगल बीप पे लॉक है, OVMs फोल्ड हो जाते हैं जैसी गाड़ी को आप अनलॉक करोगे, ये आपके जो OVMs है ये बाहर अनफोल्ड नहीं होते हैं, लाइक जब इग्निशन ऑन होगा तब ये आपके अनफोल्ड होंगे। फ्रंट की बात करी जाए तो ब्रेजा लाइक 2016 में आई थी पहली बार इंडिया के अंदर, लाइक जो क्रॉसओवर था हमारी जो SUVs थी लाइक कॉम्पैक्ट SUVs वेन्यू थी आपकी, ये सब गाड़ियां इनको टक्कर दी इसने, इको स्पोर्ट को टक्कर दी एंड अब इसका लाइक कम्प्लीटली जनरेशन चेंज, कम्प्लीट लाइक पूरी चेंज हो गई है, पूरी बदल चुकी है। प्लेटफॉर्म के अंदर भी थोड़े से ट्वीक चेंजेस आए हैं। सस्पेंशन की बात करी जाए मतलब मारुति ने बात सुनी है एंड इस बार आउट ऑफ द लीक गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ भी दे दिया ऊपर, काफी अच्छे टचेस को ऐड करा गया है। आगे से अगर बात करते हैं तो लाइक पूरा आपको ये पियानो ब्लैक के अंदर मिल रहा है, दिस इज अ पियानो ब्लैक पार्ट, क्रोम यहाँ मिल रहा है, सुजुकी का लोगो यहाँ पे आ जाता है एंड नीचे बात करेंगे तो वी हैव द कैमरा, कैमरा आपका यहाँ पे छुपा हुआ है, नंबर प्लेट आपकी हाउसिंग ये रही। स्किड प्लेट की बात करते हैं तो आपकी लाइक दिस इज सैटन सिल्वर समथिंग सॉर्ट ऑफ प्लास्टिक का ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक लग रही है, अच्छा लग रहा है, मतलब एवरीथिंग इज गुड। हेडलैम्प्स की जो बात करते हो लाइक द इंटीग्रेटेड विद द बम्पर, ये जो पार्ट आ रहा है बम्पर से इंटीग्रेटेड है, आपके दो लाइक प्रोजेक्टर्स मिल रहे हैं, वन इज फॉर द हाई बीम वन इज फॉर द लो बीम एंड आपका जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर आपका यहाँ पे आता है एंड लाइक द हेडलैम्प हाउसिंग इज लुकिंग गुड, काफी बढ़िया लग रही है, काफी बढ़िया फील होती है। आप नीचे की तरफ जब बात करोगे तो आपको नीचे लाइक फॉग लैम्प की हाउसिंग मिलती है, ये पूरा LED है, लाइट ऊपर की तरफ लगी हुई है आप देखोगे एंड व्हाइट जलता है, ये सब व्हाइट है, लाइक पूरा LED ट्रीटमेंट है, DRLs काफी शानदार लगते हैं गाड़ी के, क्रोम मिल रहा है, लोगो आ गया अपना एंड जो रेड कलर है, गाड़ी इतनी स्ट्राइकिंग इतनी बढ़िया लगती है। आपके जो व्हील आर्चेस भी है पूरे प्रोपोर्शन के अंदर है। जो टायर साइज की बात करते हैं 215/60 R16 मिल रहा है, 95H रेटेड टायर है, थोड़ा सा रेटिंग को बढ़ा के लाइक V की तरफ लेके जा सकते थे, MRF का वॉन्डरर है एंड लाइक इको ट्रेड टायर है, अच्छा है। आपका जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो भी लाइक बढ़िया मिलता है, कोई चीज लाइक कमी नहीं है, SUV वाला स्टांस पूरा है। आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफी अच्छा ऑफर कर रही है, 16 इंचेस के डायमंड कट आपको व्हील्स मिल जाते हैं एंड जो एलॉय है सीरियसली मतलब देखने में अच्छा लगता है, काफी लाइक क्लासी एलॉय है, सुजुकी की ब्रांडिंग यहाँ मिल जाती है आपको, थोड़ा सा गंदा हो रहा है इस टाइम बट द एलॉय डिजाइन इज वेरी क्लासी, काफी बढ़िया लगता है। 5 नट मिलते हैं आपको, जो डिस्क है वो आगे डिस्क ब्रेक मिल रहा है एंड पीछे की जब बात करते हैं तो पीछे हमको लाइक बेसिकली ड्रम ब्रेक्स मिल रहे हैं, ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग, कोई दिक्कत चीज नहीं है। ब्रेकिंग गाड़ी की अच्छी है, मैंने चला के देखी, अच्छी फील होती है। वी हैव द कर्टेन, यहाँ पे आपको एयर कर्टेन मिल रहा है, आगे से पूरी हवा निकल के इसमें से आती है, द कर्टेन इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड। पूरा मैट ब्लैक का ट्रीटमेंट है, जो लाइक बॉडी साइडिंग आपकी क्लैडिंग जा रही है पूरा पीछे तक, व्हील आर्चेस से लेते हुए आपके डोर से पैडिंग होती है पूरा पीछे तक ब्लैक आउट जा रही है। ये टॉप मॉडल है गाड़ी का, जो इसके OVMs है दे आर ऑल्सो ब्लैक आउट, पूरा ब्लैक आउट मिल रहा है, पियानो ब्लैक लाइक पूरा टच मिल रहा है, दिस इज द मैट ब्लैक, आपका जो ए पिलर है उस पर मैट ब्लैक मिल रहा है। एक बार गाड़ी के लाइक हेडलाइट्स को हम ऑन करके देखते हैं कि फील कैसा होता है। चाबी मेरे पास है एंड जैसे ही हम गाड़ी को अप्रोच करते हैं, गाड़ी लॉक्ड है मेरी, ये मेरी क्रेटा की चाबी है, अपनी ब्रेजा की चाबी को एक बार निकालते हैं, ये ब्रेजा की चाबी है, अगर गाड़ी पॉकेट के अंदर है आपकी एक बार प्रेस करते ही गाड़ी अनलॉक हो जाती है। जैसी गाड़ी अनलॉक होगी आप यहाँ पे आएंगे एंड जैसे ही अब इग्निशन ऑन करते हैं DRL हमारा ऑन हो जाएगा, हाई बीम पे कर देते हैं इसको, एक बार देखते हैं कि लाइट आगे से मतलब कैसी लगती है, लाइक काफी शानदार लगती है मेरे को तो पर्सनली, काफी अच्छा काम करा हुआ है आपका, ये हाई बीम है, दिस इज द लो बीम, अच्छा फील हो रहा है, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, गाड़ी लाइक काफी स्ट्राइकिंग लगती है। आप आगे से देखोगे तो मेरे को काफी शानदार लग रहा है, लाइक जो लुक है गाड़ी का आगे से बहुत बढ़िया कर दी है, रेड कलर में लाइक पूरी जच रही है गाड़ी से, कहते हैं ना काफी चौड़ी है एंड स्टांस वाइज भी काफी बढ़िया है,
हॉर्न नीचे की तरफ मिल जाता है, कैमरा आपका आ गया, एवरीथिंग इज फाइन। एक बार लाइक हम इसके इंडिकेटर्स को भी ऑन करते हैं एंड इंडिकेटर्स को ऑन कर देते हैं। यहाँ से इंडिकेटर ऑन है, ऊपर व्हील पे ब्लिंक करता है, एवरीथिंग इज गुड। आप यहाँ पे देखोगे आपको इंडिकेटर यहाँ पे मिल रहा है आपको, इट्स ऑल DRL, पूरा DRL है, लाइक पूरा जलता है, पूरा LED दिया हुआ है, बढ़िया लग रहा है देखने में। एंड द टच इज लाइक, जो हर चीज़ की बात करोगे आप, आपका टोइंग को यहाँ पे इंटीग्रेटर है, फील नहीं होता कि यहाँ पे आ रहा है, बट हर चीज़ लाइक बहुत बढ़िया काम करा हुआ है। जो इसका हुड है उस पर जो लाइन्स, कैरेक्टर लाइन्स मिलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मतलब रेड कलर में गाड़ी काफ़ी शानदार लग रही है। लाइक जब गाड़ी की बात करते हैं तो लाइक ये सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर SUV है, 4 मीटर से छोटी है, लाइक 3995 इसकी लेंथ है, MM के अंदर बात कर रहे हैं, 1790 mm इसकी जो चौड़ाई है, लाइक जो चौड़ाई की बात करते हैं उतनी होती है। बात करते हैं लाइक इसके क्वालिटी एंड फिट एंड फिनिश की, अच्छा काम करा है। पैनल कैप्स की आप बात करोगे आपको बिल्कुल ही लाइक मिनिमल फील होंगे, कुछ भी ऐसा कुछ फील नहीं होगा आपको, अच्छी पैक्ड आउट गाड़ी है। एंड लाइक इट्स द बेबी रेंज रोवर, लोग काफ़ी इसको कह रहे हैं कि दिस इज लुकिंग लाइक अ रेंज रोवर। जो रियर स्टाइलिंग है गाड़ी की काफ़ी शानदार कर दी है, काफ़ी बढ़िया कर दिया है, ब्रेसा का पूरा लोगो मिल जाता है आपको, टेल लैम्प्स लाइक पूरी ब्लैक्ड आउट है, ये पूरा आपका सैटिन सिल्वर, मतलब दिस इज द डार्क क्रोम, एंड ये जो पूरा पियानो ब्लैक है, जो टच मिल रहा है आपको काफ़ी बढ़िया फील होता है। आपका ग्लास एरिया, विंडो एरिया काफ़ी बढ़िया है। आई एम एट द मिराक व्हीकल्स आगरा, सब कुछ अच्छा है। एंड जब बात करते हैं लाइक स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल रही है, इंडिकेटर भी आपका चल रहा है, हर चीज़ काफ़ी बढ़िया लग रही है। कॉस्ट कटिंग इतनी ज़्यादा नहीं करी है मारुति ने, जो बम्पर है वो भी अच्छा फील हो रहा है, आपकी स्किड प्लेट सही है, इंडिकेटर रिफ्लेक्टर आपके थोड़े से और बेटर हो सकते हैं, लाइक लंबे लंबे लगा दिए, ठीक है। 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, एंड आपकी नंबर प्लेट हाउसिंग एरी, जब इसको हमको आगे से एक बार ओपन करते हैं, एंड हुड का यहाँ पर है हमारे पास, पेट्रोल का यहाँ पर है, दोनों चीज़ हम एक बार चेक करते हैं कि कैसा फील हो रहा है। मेरे को लाइक पर्सनली हुड काफ़ी मतलब वेटेड लग रहा है, गाड़ी भारी अच्छी खासी। एंड इसको लिफ्ट करते हैं एक बार, लाइक आप देखोगे हुड भारी है, अच्छा खासा भारी है, वेन्यू से भारी फील होता है, वेन्यू का तो बहुत हल्का कर दिया, बट ये जो लोहे की क्वालिटी, जो हाईएस्ट एंड स्टील यूज़ करा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ करा हुआ है, मतलब मेरे को थोड़ा सा भारी अच्छा फील हो रहा है। प्रोटेक्शन वाइज, क्वालिटी वाइज, लाइक एक्सीडेंट वगैरह कुछ होगा तो ये लोड ले सकता है। क्रम्पल जोन की आप बात करोगे, इंजन बहुत सही है इसको, 1500 cc का आपको इंजन मिलता है, दिस इज़ अ K-सीरीज इंजन, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, लाइक माइल्ड हाइब्रिड है, पेट्रोल इंजन है, एंड काफ़ी बढ़िया है, 1500 cc का है। एंड आपका वॉशर फ्लूइड यहाँ पे आ जाता है, इंजन जो है हमारा वो 102 BHP की पावर निकालता है, एयर इंटेक यहाँ पर है, एंड 136.8 Nm का टॉर्क दे रहा है, बैटरी ये रही, फ्यूज बॉक्स यहाँ पे है आपका। इंजन का जो लाइक क्रम्पल जोन बात करोगे आप, लाइक पूरा भरा हुआ यूनिट है, अच्छा फील होता है। सुजुकी के जो क्वालिटी लेवल है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो गए, लाइक बलिनो जो पहले आती थी उससे बेटर फील हो रही है मेरे को। फिट एंड फिनिश इज गुड, द क्वालिटी, लाइक जो मटेरियल एंड फाइबर यूज करा हुआ है, अच्छा फील हो रहा है, दिस इज द बैटरी, सब चीज लाइक एक्सपोज, मतलब बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइलेंट इंजन है, तक गाड़ी स्टार्ट खड़ी होती है एंड फिर भी लाइक इंसुलेशन दे रही है कंपनी। पेट्रोल इंजन में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, वेन्यू के अंदर आप देखोगे आपको ये जो है आपका NVH लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे आपको फैब्रिक देखने को नहीं मिलता है, ये काफ़ी सही टच है। कॉस्ट कटिंग बिल्कुल नहीं करी है, गाड़ी बहुत ज़्यादा मतलब प्रीमियम फील होती है, बढ़िया लगती है मेरे को पर्सनली। हर चीज़ आप देखो बहुत वेल एंड लाइक अच्छी तरह से पैक्ड है। एक चेंज जो इस बार हुआ है थोड़ा सा, वो क्या हुआ है कि जो आपका चेसिस नंबर सीट के नीचे आता था पहले, वो आपका यहाँ पे आ जाता है अब, बिकॉज यहाँ से थोड़ा ईजी है इसको स्क्रैच करना, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। हुड को एक बार बंद करते हैं, देखते हैं कि लाइक कितना ज़्यादा लाइक वेटेड है, जो थर्ड आएगा ना आप, थर्ड सुनोगे आप, वो अच्छा खासा लाइक वेटेड आपका जो हुड है वो अच्छा फील हो रहा है। अंदर से लाइक बात करेंगे एक बार, डोर की जो क्वालिटी है, डोर लाइक अच्छा है। जो ट्रिम की बात करोगे, फैब्रिक मिल रहा है यहाँ पे, दिस इज अ सॉफ्ट टच मटेरियल, पूरा फाइबर है, दिस इज अ सैटिन सिल्वर, क्रोम ये रहा, ब्लैक्ड आउट आपका ये आ गया, ट्विटर्स यहाँ पे आ रहे हैं, स्पीकर्स आर देयर, बॉटल होल्डर आ गया, फाइल यहाँ रख सकते हो, 1 लीटर की बॉटल इजीली आ जाएगी। पावर विंडो के कंट्रोल सारे आपको यहाँ मिल रहे हैं, लॉक अनलॉक एंड आपका ORVM की सेटिंग्स यहाँ पर, अभी ये बंद नहीं होगा बिकॉज गाड़ी जब इग्निशन पे आएगी, जब इग्निशन ऑन करते हैं इसका, अब ये आपके फुली फंक्शनल होगा, यहाँ से एक बार में काम करेंगे, अनलॉक फोल्ड सब चीज़ काम करेगी। फ्यूल लो है, बंद करते हैं गाड़ी को एक बार। द क्वालिटी ऑफ द डोर, डोर की लाइक क्वालिटी की आप बात करोगे, अच्छा खासा वेल वेटेड लाइक डोर आपको फील होता है, काफ़ी अच्छा डोर है एंड काफ़ी भारी है, मतलब क्वालिटी वाइज, फिट एंड फिनिश, हर चीज़ लाइक काफ़ी अच्छा काम करोगे। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड दूसरी साइड की जब बात करते हैं तो वी हैव द रिक्वेस्ट सेंसर, आपको रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे भी मिल जाता है, एवरीथिंग इज लाइक गुड। यहाँ से इसको अनलॉक कर सकते हैं, अभी ये अनलॉक होगी नहीं, एंड अभी अनलॉक है,
अंदर की बात करोगे एवरीथिंग इज सो प्रीमियम। आपका सनरूफ यहाँ पे इस बार आ गया है। सनरूफ को मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के कैसा फील होता है। वी हैव द टच स्क्रीन पूरा आ गया, हेड-अप डिस्प्ले हो आ गया आपका। क्वालिटी वाइज सीट्स आर लुकिंग वेरी क्लासी, कंफर्टेबल सीट्स हो रही है। और कुछ थिंग बेटर हो सकती थी, साइड सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था। काफी मतलब अच्छा काम करा हुआ है। एंड बात करते हैं रियर में, हम जैसे ही आते हैं 1500cc का इंजन है, इट्स अ पेट्रोल इंजन। इसके अंदर आपका एड ब्लू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पेट्रोल यहाँ से डलेगा। दिस इज लाइक परफेक्ट, अच्छी फील हो रही है गाड़ी फर्स्ट इंप्रेशन में। बैक की जब बात करते हैं, आपका मिराक व्हीकल जहाँ लिखा हुआ है, आगरा के अंदर आपको कोई भी गाड़ी दिखे मिराक को आप विजिट कर सकते हो। इट्स नियर द सब्जी मंडी, सिकंदरा के पास पड़ता है। जब बात करते हैं लाइक रियर प्रोफाइल की, रियर प्रोफाइल लाइक काफी मतलब शानदार लगती है गाड़ी की, काफी चौड़ी लगती है, उठी हुई लगती है, बढ़िया लगती है। साइलेंसर आपका वो है, सिंगल मफलर है आपका। टोइंग हुक आपका जो रियर में वो रेड वाला वहीं पे लगा हुआ है। एवरीथिंग इज गुड, ब्रेज़ा की ब्रांडिंग आ गई आपका यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा होगा। वी हैव द डिफॉगर, आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प है, वाइपर वॉशर का जो फ्लूइड है यहाँ से निकला, वाइपर इज ऑल्सो गुड, अच्छा खासा साफ करेगा। एवरीथिंग इज फाइन। बूट को एक बार ओपन करते हैं गाड़ी के, एंड एक बार में लाइक बूट आपका ओपन हो जाता है। इसके अंदर आपके एक्सेसरीज वो सब रखा हुआ है मिराक व्हीकल्स का, आपके जो फुटबैंड है ये सब रखा हुआ है। हमारा जो बूट है जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं थोड़ा सा लाइक इस पे लोड ज्यादा है। आपका जो स्पेयर टायर है वो स्टील रिम मिल रहा है, वंडरर मिल रहा है, एक साइज छोटा टायर है चलता है, इतनी कॉस्ट सेटिंग चलती है। पार्सल ट्रे आपको मिल रही है, टॉप मॉडल आ रहा है, ये आपके यहाँ पे लग जाता है। एंड जैसे ही इसको यहाँ पे लगाते हैं अपने आप लाइक लिफ्ट वाली चीज हो जाएगी, यहाँ पे आपका लग चुका है। तो कॉस्ट कटिंग नहीं करी सुजुकी ने, काफी काम बढ़िया करा हुआ है। एंड द क्वालिटी ऑफ द लाइक आपका जो बूट है, इसका जो बूट टेल गेट है काफी अच्छा भारी फील हो रहा है। गाड़ी लाइक मेरे हिसाब से 4-star रेटेड इजीली रहेगी, बढ़िया फील हो रही है, काफी भारी है, मतलब एक बार में सिंगल में बंद हो जाएगा। वी हैव द कैमरा ओवर हेयर, कैमरा यहाँ पे मिल रहा है। गाड़ी के अंदर आपको 360 कैमरा मिलता है, डोर को एक बार लगाते हैं 360 कैमरा के लिए। फ्रंट में कैमरा आ गया, बैक में आ गया, ओवर गेम्स पे भी आपको यहाँ पे कैमरा मिल रहा है, एंड उस वाले ओवर में भी कैमरा मिल रहा है। बात करते हैं लाइक गाड़ी काफी शानदार है, इंडिकेटर्स लाइक गाड़ी के अब भी ऑन है, काफी मतलब अच्छी फील हो रही है गाड़ी। आई एम स्टैंडिंग इन आगरा, आगरा में आपको एक गाड़ी करीब करीब 14.5 लाख के आसपास कॉस्ट करेगी विद एक्सेसरीज एंड विद वारंटी। 14.5 लाख के अंदर मैनुअल मिल रहा है आपको, इट्स अ गुड चॉइस। ऑटोमेटिक में अगर जाना है आपको 1.5 लाख रुपए आपको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, डुअल टोन मिल जाएगा, इट हैज अ सनरूफ। सुजुकी गाड़ी आपको सनरूफ कभी देखने को नहीं मिलती, दिस इज द फर्स्ट कार, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ मिल रही है। बात करते हैं लाइक अंदर बैठ के कैसे फील होती है। आपकी जो सीट्स हैं वो भी मैनुअल है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं दिया। वेन्यू के टॉप मॉडल में से इलेक्ट्रिक आ रहा है, पर ठीक है, इसका हेड-अप डिस्प्ले आपको मिल जाता है। द स्पीकर्स क्वालिटी इज वेरी फाइन, काफी प्रीमियम फील होती है, काफी प्रैक्टिकल फील होती है गाड़ी। अंदर बैठ के एक बार बात करते हैं कि कैसा फील होता है इसका। गाड़ी के लाइक डोर को एक बार बंद करते हैं, एंड जैसे ही हम डोर लगाते हैं थर्ड ऑफ द डोर, द क्वालिटी ऑफ द डोर इज वेरी गुड, अच्छा फील हो रहा है, डोर काफी भारी है, डोर अच्छा है। इंडिकेटर्स को हम यहाँ से बंद करते हैं, एंड जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, मैंने ब्रेक प्रेस करा हुआ है, गाड़ी एक बार में स्टार्ट, हेड्स अप डिस्प्ले आपका अपने आप बाहर आया था, जैसी गाड़ी लाइक स्टार्ट होती है। एंड जो आपका डिस्प्ले इस पे स्टार्टिंग लिखा आ गया, इट इज लाइक सुपर्ब, हेलो बोल रहा है, लो फ्यूल का इंडिकेटर दे रहा है आपको, काफी मतलब अच्छा काम करा हुआ है। एंड जैसी लाइक थोड़ा सा इसको मैं रेव करता हूँ, आपका स्पीड सामने आ रही है। थोड़ा सा इसको जैसे ही हम ड्राइव करते हैं ना, आगे की तरफ ड्राइव करेंगे इसको, इसके साउंड को कम कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं। जैसे ही ड्राइव करेंगे आप देखोगे कि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, लाइक 3 किलोमीटर है, वो सब पूरा दिखाता है। व्हेन वी डू लाइक इसको रिवर्स में डालते हैं एक बार, रिवर्स के अंदर भी आपका ये स्पीड को लेगा पूरा, मतलब बढ़िया काम करता है यार। क्वालिटी वाइज सब चीज़ बढ़िया है, इट्स अ स्मार्ट हाइब्रिड कार, अच्छी फील हो रही है मेरे को, काफी प्रैक्टिकल है, सुजुकी की चीज है। इसको बंद कर देते हैं, बिकॉज यार सनरूफ सुजुकी गाड़ी में मिलना लाइक वेरी अनएक्सपेक्टेड, पहली बार आपको सनरूफ मिल रही है। एंड यार अच्छे खास मतलब ठीक साइज की सनरूफ है, इट्स इलेक्ट्रिक सनरूफ, अच्छी फील हो रही है। सुजुकी ने पहली बार अपनी किसी गाड़ी का सनरूफ दिया है, कभी नहीं दे दिया सुजुकी। फिट एंड फिनिश वाइज गाड़ी बहुत बढ़िया है, कॉस्ट कटिंग बिल्कुल लाइक आप कहोगे करी ही नहीं गई है। हेड-अप डिस्प्ले के कंट्रोल आपके पूरे यहाँ पर है, लाइक बलिनो में जैसा मिलता है पूरा पैनल वही है आपका। दिस फॉर द ट्रैक्शन, दिस फॉर द रियर व्यू मॉनिटर, जैसे ही बटन को प्रेस करते हैं आपका यहाँ पे कैमरा आ जाता है, इट्स अ 360 व्यू, कहाँ पे खड़े हुए हैं हम लोग। दोबारा दबा दिया मैंने, बंद हो गया। दिस फॉर अट्रैक्शन, ऑटो इग्निशन, हेडलाइट लेवलर आपका यहाँ पे, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आता है, क्रोम सराउंड मिल रहा है, पूरा क्रोम सराउंडेड है, अच्छा खासा लाइक फील होता है, बढ़िया लग रहा है। ब्राउन थोड़ा टिंटेड है आपका, लाइक हनीकॉम डिजाइन यहाँ मिलता है आपको, साटिन सिल्वर ये आ गया, ब्लैक्ड आउट एरा, दिस इज अ सॉफ्ट टच। हेड-अप डिस्प्ले को एक बार बंद करते हैं, जैसे ही हम लाइक इस बटन को प्रेस करके रखेंगे,
हेड्स अप डिस्प्ले आपका अंदर फोल्ड हो जाता है, काफी अच्छा, काफी सेटिस्फाइंग लगता है। ये बहुत सही चीज है, इन्फॉर्मेशन अच्छा खासा प्रोवाइड करता है, आपको साइड में नहीं देखना पड़ेगा एंड लाइक सारी चीज आपको सामने की तरफ ही देखने को मिल जाएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन, स्पीड वगैरह सब चीज। बात करते हैं लाइक एसी की जो कूलिंग है, एवरीथिंग इज फाइन, अच्छा खासा एसी काम कर रहा है, बिल्कुल लाइक मेरे को बढ़िया फील हो रहा है। होम बटन को जैसे ही प्रेस करते हैं अच्छे टचेस हैं, अच्छा टैक्टाइल फीडबैक है। स्टीयरिंग के अंदर क्या है, आप बात करोगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टीयरिंग, इट्स अ लेदर रैप यूनिट, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, अच्छा खासा है। इसके अंदर आपके वॉल्यूम कंट्रोल हो गए, ट्रैक, टॉगल, सब चीज, कॉलिंग के बटन यहाँ पे आ जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्ट, दिस इज अ क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे बात करते हैं, फुल्ली एनालॉग, पूरा एनालॉग है, सुइयां दी हुई है इसके अंदर, वी हैव द नीडल्स, आरपीएम मीटर एरर, टेम्परेचर कंट्रोल एरर, ट्रिप को यहाँ से सेट कर सकते हो फ्रॉम दिस, एवरेज आपको 10.5 करीब को दिखा रही है। स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग मिल जाती है आपको। एंड व्हेन वी ज़ूम इन अंदर की तरफ देखते हैं, पेट्रोल लाइक पूरा भी कम है इसके अंदर, पेट्रोल का वो पूरा एनालॉग है, अच्छा फील हो रहा है, प्रीमियम लगता है काफी देखने में एंड काफी अप मार्केट फील होता है। व्हेन वी लाइक प्ले द हॉर्न, एक बार हॉर्न को बजाते हैं, हॉर्न भी मतलब अच्छा खासा है, अच्छा फील हो रहा है हॉर्न, साउंड वाइज, क्वालिटी वाइज काफी बढ़िया है, मतलब लिटरली मतलब सुजुकी से जैसी उम्मीद थी मेरे को वैसा ही काम करा है इस पर। गेम चेंजर कार है पूरी है, वेन्यू की जो बुकिंग्स थी उनको कहीं ना कहीं ये गाड़ी थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करेगी, बिकॉज ये गाड़ी बिल्कुल बदल चुकी है। एंड इसका जो रियर लुक है, आगे साथ जो इसका रियर लुक है उसके बारे में लाइक बोलचाल है, काफी बढ़िया फील होती है। सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है, आपके माइक्रोफोन यहाँ पर है, वी हैव द लाइट्स यहाँ पे, आगे एलईडी नहीं है, ठीक है चलेगा। सनरूफ को एक बार ओपन करते हैं, इट्स लाइक अ सिंगल टच, एक बार में ऊपर पीछे चली जाएगी पूरी, थोड़ी सी और खुलती है, हाँ इतनी खुल जाती है, काफी लाइक पूरी खुल रही है, मतलब आपको वरना इन सब में यहाँ तक मिलती है, इतना पीछे नहीं जाता, बड़े पूरी अंदर चली गई है, अच्छा खासा आपको पूरा यूनिट मिलता है। जैसे ही इसको बंद करते हैं सिंगल टच, ये भी पूरा अपने आप बंद हो जाएगा, अच्छी फील हो रही है। यहाँ पे बात करते हैं, वी हैव द वाइजर एंड इसके अंदर आपको लाइट भी इंटीग्रेट करके दे दी गई है, एंड यहाँ से आपकी लाइट यहाँ से ऑन होगी, यहाँ से बंद होगी, यहाँ से ऑन, यहाँ से बंद, अच्छे स्विचेस हैं, अच्छा टच है। थोड़ा सा ये जो ट्रिम है आपका, ये थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था, लाइक थोड़ा सा फ्लमजी सा है, थोड़ा हिल सा रहा है, ठीक है, थोड़ा बेटर कर सकते हैं इसके अंदर। एंड इसकी बात करते हैं, यहाँ पे आपको मिरर नहीं मिलता, टिकट होल्डर आपका यहाँ पर है, लिखा भी हुआ टिकट होल्डर। एंड बात करते हैं लाइट्स वगैरह की, अच्छा खासा है, सनग्लास होल्डर, सब चीज बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द इनसाइड रियर व्यू मिरर, IRVM की जब आप बात करोगे तो इसके अंदर आपका इट्स इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ से ऑटो, यहाँ से ऑफ, यहाँ से ऑन, जैसे इस पर लाइट पड़ती है सेंसर पे, ये आपका डिम हो जाएगा एंड आपको लाइक चौंधा नहीं पड़ेगा। और वी सी इन ह्युंडई कार देन और भी कंपनी की जो गाड़ियां हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए इसको हटा देते हैं एंड अपने आप आदमी यहाँ से नीचे नीचे ऊपर करके उसको सेट करता है कि चौंधा ना पड़े, बट दिस इज अ गुड टच, अच्छा खासा काम करा हुआ है। आपका जो ये पार्ट है पूरा, व्हेन वी टॉक अबाउट पूरी हाउसिंग आपकी लाइक यहाँ पे आपको उसके अंदर मिलती है, इट्स पियानो ब्लैक, अभी फिल्म चढ़ी हुई है, इट्स गुड बिकॉज गाड़ी अभी नई है, इट्स अ डेमो व्हीकल, अच्छी गाड़ी है। 5 गियर मिल रहे हैं आपको, 5 गियर मिल जाते हैं आपको एंड यार एक रिवर्स है। जैसे ही हम रिवर्स को लाइक क्लच दबा के एंगेज करते हैं, जैसे ही रिवर्स लगता है आपका, वी हैव द फुल व्यू इन 360, अच्छा खासा लाइक कोई बगल से वॉक कर रहा है तो वो जा रही मैम, तो पूरा लाइक आपको क्लियरली दिखता है कि कैसे क्या हो रहा है एंड काफी अच्छा टच है। ORVM को जब मैं बंद करूंगा तो यू विल सी साइड कैमरा के अंदर वो ORVM बंद हुआ तो वो थोड़ा टिल्ट होता है, जब तक ORVM खोले परफेक्टली काम करता है, इट्स गुड, अच्छा फील हो रहा है। एसी को थोड़ा लाइक लोअर स्पीड को मोड़ता, स्विचेस आर वेरी टैक्टाइल, जो बलिनो का यूनिट था आई गेस वही सेम यूज करा हुआ है इसके अंदर भी, बिल्कुल लाइक वैसा ही फील हो रहा है मेरे को, तो लो पे कर देते हैं एसी को, फैन को धीरे। एंड जो आपके विंड्स हैं वो भी अच्छे हैं, लाइक थोड़े से छोटे हैं, थोड़े बड़े होते तो बेटर लगता है मेरे को। इंडिकेटर जो पार्किंग लाइट है आपकी वो यहाँ पे आती है, एक बार में लाइक अच्छा काम करता है। पियानो ब्लैक टचेस यहाँ पे है, वी हैव अ सैटिन सिल्वर, डार्क आउट थोड़ा सैटिन सिल्वर है, बिल्कुल सैटिन सिल्वर टाइप चीज नहीं है, थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा डार्क फील होगा आपको। बटन थोड़े से लाइक बड़े होते तो बेटर लगते, थोड़े छोटे हैं दौड़ने में दिक्कत होगी। एसी यहाँ से ऑन, एसी यहाँ से ऑफ, यहाँ से पूरा ऑफ हो जाता है एंड एसी यहाँ से अब ऑन करना है तो दोबारा यहीं से ऑन हो जाएगा। दिस इज फॉर दैट लाइक आपका ऑटो एसी एंड एवरीथिंग, लाइक क्लाइमेट कंट्रोल तो है ही गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत वाली चीजें हैं, अच्छी खासी फील हो रही है। सीट्स की अपोल्स्ट्री की बात करें, थोड़ा पीछे करते हैं सीट को, थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, लाइक बिल्कुल फैब्रिक है यार, थोड़ा सॉफ्ट है, मतलब मेरे जो सपोर्ट देगा ये थोड़ा सा कम देगा, बट ठीक है, इट्स गुड। एंड व्हेन वी सी हमारा जो ग्लव बॉक्स है, काफी बड़ा ग्लव बॉक्स है, कूल्ड ग्लव बॉक्स है, लाइट आपको मिल जाती है, इट हैज द लैंप इनसाइड, लैंप मिल रहा है, अच्छे खासा साइज का ग्लव बॉक्स आपको मिलता है, अच्छा फील हो रहा है, लाइक काफी बड़ा ग्लव बॉक्स है, वाइड एरिया ओपन है। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्ट,
लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द फिट एंड फिनिश, एवरीथिंग इज फाइन. यहाँ पे आपको लेदर रैप मिल रहा है, पूरा अच्छा खासा है. वी हैव द लेदर फिनिश ओवर हेयर, क्रोम में बटन मिल रहा है आपको. कप होल्डर्स यहाँ पे दो आ गए, ठीक है, परफ्यूम रख लो एंड कप वगैरह आ जाएगा. वी हैव द स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट थोड़ा सा छोटा है मेरे को फील हो रहा है, स्लाइडिंग है, ठीक है, अच्छा है, मतलब क्वालिटी वाइज इज फाइन. कभी होल एक छोटा सा है, स्टोरेज कर सकते हो, फोन रख लो, टिकट रख लो, फास्ट टैग अगर चिपकाने नहीं यहाँ पे डाल सकते, टॉफी वगैरह आप डाल सकते हो. अच्छे साइज का है, ठीक है, चलता है इतना तो. इसी को थोड़ा तेज करते हैं. वेरी टेक्टाइल स्विचेस, कॉलिंग वॉलिंग लाइक सब चीज काफी बढ़िया है. स्टीयरिंग इज सुपर लाइट, बहुत ज्यादा लाइट स्टीयरिंग है, अच्छा फील होता है. एंड व्हेन वी लाइक पुट द कार इन रिवर्स, जैसे आप रिवर्स पे डालते हो, व्हेन यू लाइक कट द स्टीयरिंग, मैं स्टीयरिंग को घुमा रहा हूँ, यू विल सी द टायर, आपका टायर भी इसमें आपको दिखने लगेगा. जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा आपको टायर लाइक, मतलब अच्छा खासी विजिबिलिटी गाड़ी दे रही है. इट हैज द अडैप्टिव पार्किंग गाइडलाइंस, अच्छा फील हो रहा है मेरे को यार. गाड़ी बहुत ज्यादा मतलब प्रीमियम है. सब फो लाइक सब फो मीटर की जब बात करते हो कॉम्पैक्ट एसयूवी की, ये गाड़ी लाइक बहुत बढ़िया लाइक खरी उतरती है हर चीज पे. वेन्यू का अगर सोच रहे हो तो इसकी तरफ कंसीडर कर सकते हो. आपको इसके यहाँ लाइक 6 स्पीकर्स का सिस्टम मिल रहा है, 4 स्पीकर्स नीचे आ जाते हैं. एंड वी हैव द ट्विटर्स, आपको ट्विटर्स पूरे, एक ट्विटर ये रहा, एक ट्विटर आपका हो रहा. अच्छी खासी फिट एंड फिनिश है, हर चीज काफी बढ़िया है. वी हैव द सनरूफ, ये पूरा मिल रहा है, बढ़िया फील हो रही है गाड़ी. वेरी प्रैक्टिकल कार, इट्स अ सुजुकी लोगो, अच्छी है गाड़ी. सब चीज लाइक काफी बढ़िया काम करा हुआ है. वाइपर की एक बार बात करते हैं तो जैसे हम लाइक वाइपर का जो थ्रो है वो भी अच्छा खासा है, पूरा विंडशील्ड एक बार में सब होता है. स्प्रे भी जो अमाउंट पे ऑफर पे है वो भी अच्छा है, मतलब सब चीज बढ़िया काम कर रही है गाड़ी की. रियर वाइपर को जब एक बार चेक करते हैं इसके अंदर, तो व्हेन वी लाइक डू इट, इसका कंट्रोल है ऐसे है, वाइपर फ्लूइड यहाँ से निकलेगा, ये अब निकलने लगा, इट्स लाइक गुड, अच्छा काम कर रहा है वाइपर फ्लूइड, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. मेरे को यार गाड़ी पर्सनली अच्छी फील हो रही है, बट बड़ा थिंग इज थोड़ी सी प्राइसी कर दिया, थोड़ी सी महंगी कर दिया है. जब आप यार 15-15.5 लाख रुपए करीब डालोगे, ऑटोमेटिक तो 1650 की पड़ रही है, तो वाई वुडंट यू गो फॉर सम थोड़ा सा बिगर एसयूवी, इतना महंगे में लाइक क्यों जाओगे. अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करी जाए तो इसका जो VXi मॉडल है, VXi प्लस है, दैट इज द वैल्यू फॉर मनी. ZXi तक आप सोच सकते हो. वेन्यू भी आपकी 1440,000 तक कॉस्ट कर रही है. आपकी एवरेज स्पीड लाइक आप यहाँ पे बात करोगे तो हर चीज लाइक बढ़िया, 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो सब दिखा रहा है. कैलेंडर आ गया, रेडियो आ गया, पेड डिवाइसेस, फेवरेट्स, हर चीज काफी बढ़िया है. गाड़ी को एक बार करते हैं बंद, एंड जैसे ही हम लाइक पीछे चलते हैं, पीछे की एक बार सीट कंफर्ट की बात करते हैं. गाड़ी की जो सीट है भी वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरे को पर्सनली अच्छा लग रहा है. गाड़ी काफी लाइक बढ़िया है सीटिंग वाइज भी. व्हेन वी टॉक अबाउट द रियर डोर, विंडो का जो एरिया है काफी बड़ा है, काफी अच्छी है. आपको लाइक घुटन फील नहीं होगी, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा. एंड डोर का जो आपका क्लोजिंग एंड ओपनिंग की रेंज है वो काफी चौड़ा है, मतलब स्पीकर यहाँ पे मिलता है, ग्रिल इज देयर, अच्छा लगा हुआ है, मैश डिजाइन है, पूरा बॉटल यहाँ रख सकते हो आप. एंड जो व्हील आर्च भी है वो भी काफी अच्छा लगता है, मतलब व्हेन यू सिट इजीली आप इसके यहाँ बैठ सकते हो. सीटिंग पोस्चर इज गुड, काफी अच्छा पोस्चर है, आप देखोगे इट इज गुड. लाइक अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा बेटर हो सकता था, थोड़ा लाइक मेरे को कम फील हो रहा है. लॉन्ग डिस्टेंस पे ठीक है, दिक्कत नहीं होगी. सीट्स आर कंफर्टेबल, कुशनिंग इज वेरी गुड, अच्छी फील हो रही है कुशनिंग. डोर की जो बात करोगे, पल्ला अच्छा है, लाइक वेटेड है, ठीक फील हो रहा है. डोंट कंपेयर इट विद टाटा और समवन, अच्छा है लाइक इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट ऑल्सो. गाड़ी का अगर एवरेज चाहिए थोड़ी सी हल्की करनी पड़ती है, एंड जो हाई स्ट्रेंथ स्टील है वो यूज करा गया. क्वालिटी वाइज इट्स फाइन. विंडो लाइनिंग भी अच्छी खासी बड़ी मिल रही है आपको, क्रोम फिनिश यहाँ मिल जाता है, सैटिन सिल्वर एरा, दिस इज द ब्राउन ट्रीटमेंट, ये फैब्रिक है. ड्राई क्लीन टाइम टू टाइम को कराना पड़ेगा गाड़ी को. जब अंदर आते हैं वी हैव दिस लाइक वेरी प्रैक्टिकल थिंग, स्कूप्ड आउट नहीं है, मतलब लाइक आप घुटने लगा लो ठीक है, बट प्लास्टिक क्लैडिंग का थोड़ा सा बेटर लगती है मेरे को. एंड यहाँ पे आपका हुक मिल जाता है, 4 किलो तक का वेट आप इस पे लोड कर सकते हो. अभी सीट कवर चढ़े नहीं है गाड़ी पे, फोम थोड़ी बेटर हो सकती थी, क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती. आगे की जब बात करते हैं अच्छी फील होती है. सनरूफ आप यहाँ से खोलोगे, साइज वाइज प्रैक्टिकलिटी वाइज गाड़ी लाइक अच्छी है, बड़ी है, स्पेशियस फील होती है. आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है. और लाइक प्रीमियम टचेस की बात करोगे, सनरूफ आ रही है आपका, 360 कैमरा आ रहा है आपका, हेड अप डिस्प्ले आ रहा है. वी हैव द रियर सीट हाइट एडजस्टेबल, आपके जो हेडरेस्ट है वो हाइट एडजस्टेबल है. यहाँ से लाइक आपका नीचे चला जाएगा पूरा, यहाँ आपका भी उठा हुआ है. पार्सल ट्रे यहाँ पे इंटीग्रेटेड है. थोड़ी सी मतलब मेरे को व्हाट क्या फील हो रहा है, बिकॉज आई एम लाइक 6 feet, मैं सिर्फ 6 feet मेरी हाइट है, माई हेड इज लाइक टचिंग, ऑलमोस्ट टच कर रहा है, थोड़ा सा लाइक बेटर हो सकता था. एंड फॉर द बेटर स्पेस, सनरूफ तो उसके अंदर चली गई, यहाँ पे थोड़ा एरिया कम हुई. यू विल सी ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये जो एरिया था ना ये थोड़ा बेटर होता, सनरूफ ना भी देता चलता, बट थिंग इज थोड़ा सा हेडरूम कम हो गया, स्कूप्ड आउट कराया इन लोगों ने. एंड यार थोड़ा सा ऐसा लगता है बिल्कुल सिर पे रख गया, लाइक बिल्कुल पास में आ गया. एरिया वाइज ठीक है, थोड़ा सा हम्प मिलता है आपको, 2 चार्जिंग लाइक सॉकेट्स मिलते हैं, 1 इज USB, 1 इज USB C टाइप, AC यहाँ मिल जाता है, आर्मरेस्ट 13, एवरीथिंग इज फाइन. दिस इज फ्रॉम माई साइड यार, गाड़ी बढ़िया है एंड आपको कंसीडर कर सकते हो उसको. EcoSport जा चुकी है इंडिया से, यू हैव द वेन्यू, यू हैव द नेक्सॉन XUV300 है, एंड दिस इज द न्यू ब्रेजा, काफी सेक्सी, काफी बढ़िया लगती है. दैट्स इट गाइस. एंड यार
थिंग इज आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। आई एम डूइंग माई बेस्ट, ऐसा कंटेंट ऐसे वीडियोज में आपके लिए लाता रहूंगा यार।